खबर बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबियत बिगड़ गई है। राज्यपाल को लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनको बुखार आ रहा था और बुखार आने के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि चिंता की बात नहीं है, जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आपको बता दें, 10 दिन की छुट्टी पर राज्यपाल लखनऊ गए हुए हैं और वहीं पर उनकी तबियत खराब हुई है। बताया जा रहा है कि बुखार आने के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि डॉक्टरों की तरफ से यह कहा गया है कि चिंता की बात नहीं है, जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, लालजी टंडन की तबियत खराब बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो बुखार लालजी टंडन को आया था और उसके बाद में यूरिन टेस्ट में उनके इंफेक्शन जो है डॉक्टरों ने बताया है। हालांकि स्वास्थ्य में सेहत में सुधार की बात जो है वो डॉक्टरों के द्वारा कही जा रही है। अगर बात करें तो राज्यपाल लालजी टंडन 10 दिनों का 9 जून को ही लखनऊ के लिए रवाना हुए थे और उसके बाद में 19 जून तक अवकाश थे। ऐसे में लखनऊ जो उनका गृह नगर है वहां पर ही घर पर उनकी तबियत खराब हुई थी, जिसके बाद में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि चिंताजनक ज्यादा किया है, उनके में पेट में इंफेक्शन था और ऐसे में इलाज से रिकवर जो है यानी कि इलाज जो है वो बेहतर तरीके से किया जा रहा है और जल्दी उनके स्वस्थ होने की संभावना जो है वो डॉक्टर ने जताई है। बिल्कुल सुधीर, हम भी यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो भी ठीक हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 67 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरबा में 13, बेमेतरा में 10 नए मरीज मिले हैं। बलौदाबाजार, राजनंदगांव में 9-9 नए मरीज मिले हैं। वहीं बिलासपुर में 8 नए मरीज मिले हैं। कवर्धा में जो लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है वहां पर एक बार फिर से 5 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 4 और दंतेवाड़ा में भी नए मरीज अब सामने आने लगे हैं। दंतेवाड़ा में 2 नए मरीज सामने आए हैं। दुर्ग, बलरामपुर में 3-3 नए मरीज, तो वहीं कोरिया में 1 नया मरीज सामने आया है। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आज 81 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं और अब ऐसे में प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 875 हो गई है। वहीं कुल कोरोना संक्रमित आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अब तक 1500 के पार हो गया यह आंकड़ा। 1512 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 631 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला से। संदीप, आज 81 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं तो वहीं 67 नए मरीज भी सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए 2-3 दिन से आंकड़ों में गिरावट आई है नए मरीज मिलने की और साथ में जो है डिस्चार्ज जो हो रहे हैं केसेस उसकी संख्या भी बड़ी है। लेकिन इसमें देखेंगे तो एक नया जिला दंतेवाड़ा में पहले जो है स्थानीय लोग वहां के संक्रमित नहीं मिले थे, लेकिन आज वहां से भी केस मिला है। 2 केस दंतेवाड़ा में आज कुल एक साथ मिले हैं। और रायपुर की बात करें तो रायपुर में जो केसेस लगातार मिल रहे हैं उसमें स्वास्थ्य कर्मी लगातार कहीं ना कहीं संक्रमित हो रहे हैं। आज भी जो केस मिला है उसमें एक अस्पताल में भर्ती मरीज को संक्रमण हो गया है। इसके अलावा एक अस्पताल का ही कर्मचारी है। दूसरा एक जो आपको बता दें, एक मामला गृहिणी का मिला है, उसे लेकर सोर्स पता किया जा रहा है कि एक घर में रहने वाली गृहिणी थी रायपुर की जो टाइफाइड से पीड़ित थी, तो उनका सोर्स अभी तक पता नहीं चल पाया। उसकी पतासाजी की जा रही कि इन्फेक्शन मिला कहाँ से। तो बार बार हम यही अपील कर रहे हैं लोगों से और डॉक्टर भी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि बुजुर्ग और बच्चे या फिर ऐसे लोग जो गंभीर रूप से बीमारी से खासकर सांस की बीमारी से जो पीड़ित है उन्हें कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अब जो नए केसेस आ रहे हैं श्रमिकों के अलावा ऐसे लोग पीड़ित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं जो अस्पताल में या तो भर्ती है या अपने घर में रह रहे हैं और बाहर जाते हैं लेकिन दूसरे बीमारियों से भी कहीं ना कहीं वो पीड़ित है। तो ये इतना सावधानी बरतनी हो कि बुजुर्गों के साथ साथ जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी। जी शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए। बात करेंगे बिलासपुर की, जहां के सिम्स अस्पताल के वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में कोरोना टेस्टिंग लैब की शुरुआत होने वाली है। हाईकोर्ट के निर्देश और डीएमई के निरीक्षण के बाद से अब कोरोना लैब की शुरुआत के लिए यहां कवायद शुरू हो गई थी जो अब अपने अंतिम चरण में है। संभावना जताई जा रही है कि महीने के अंत तक लैब की शुरुआत भी हो जाएगी। लैब शुरू होने से संभाग में बढ़ रहे कोरोना संदिग्धों की जांच में तेजी आएगी। आज लैब का निरीक्षण करने के लिए विधायक शैलेश पांडे पहुंचे थे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान लैब के प्रोग्रेस वर्क का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्टिंग लैब को लेकर जरूरी काम पूरे कर लिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल वर्क का काम भी अंतिम चरण में चल रहा है।
तो बिलासपुर में लैब का लगभग पार्टीशन लेवल का सिविल वर्क जितना है मैं आज निरीक्षण करने गया था उसमें हो चुका है, और इसके साथ साथ कई मशीनें भी आ गई हैं, इंस्टॉलेशन अब थोड़े दिनों बाद हो जाएगा। मुझे लगता है कि अधिकतम 2 वीक में बिलासपुर में कोरोना लैब बन जाएगी। बात करेंगे बड़ी खबर की, बलरामपुर से मिल रही है, रेंजर अनिल सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें ये पूरा मामला हथनी की मौत से जुड़ा हुआ है। राजपुर वन परिक्षेत्र में कुछ दिन पहले ही एक हथनी की मौत हुई थी और अब इस मामले में रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें अतोरी के जंगल में हथनी की लाश मिली थी और उसके बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था और अब बड़ी कार्रवाई हुई है। रेंजर अनिल सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अरुण सोनी से। अरुण, एक बड़ी कार्रवाई, रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया है हथनी की मौत के मामले में। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से हथनी की मौत की खबर आई थी उस पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 दिन बाद एक कार्रवाई हुई है जिसमें जो राजपुर वन परिक्षेत्र के रेंजर हैं अनिल सिंह, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और ये कार्रवाई रायपुर PCCF ऑफिस से की गई है। मेरी जब DFO से बात हो रही थी उन्होंने बताया कि इस मामले में और भी कई लोगों के ऊपर गाज गिर सकती है और भी कई लोग इसमें निलंबित हो सकते हैं, उन पर कार्रवाई होगी। मैं बता दूं कि जो हथनी की मौत है वो 2 दिन पहले जो उसकी लाश मिली थी और उसकी लाश काफी पुरानी हो गई थी, 3 से 4 दिन पहले उसकी लाश मिली थी। ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों के ऊपर लापरवाही के आरोप लगे थे कि हथनी की लाश 3 से 4 दिन तक जंगल में पड़ी रही, लेकिन किसी को भी उसका पता नहीं चला और वन विभाग पर इसी कारण लापरवाही के आरोप लगे थे और कार्रवाई भी इस पर की गई है। मैं बता दूं कि पिछले 2 दिनों के भीतर 3 हथनियों की लाश मिली थी जिसमें 2 सूरजपुर में मिले थे और 1 बलरामपुर में मिले थे। तो लगातार हथनियों की मौत से एक हड़कंप मचा हुआ था और इसमें खास बात यह है कि केवल मादा हाथियों की ही मौत हो रही थी। तो इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है और आने वाले दिनों में अभी देखा जा रहा है कि और भी लोग इसमें सस्पेंड हो सकते हैं या फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जिस तरह से अधिकारियों का इशारा है या अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। जी शुक्रिया अरुण, पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य की सड़कों की मरम्मत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं ताकि बरसात में लोगों को आवागमन में असुविधा ना हो। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को खराब सड़कों को सुधारने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऐसे सभी शासकीय भवन जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हैं उन्हें पक्के पहुंच मार्ग से जोड़ा जाए। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नेशनल हाईवे की समीक्षा करते हुए अंबिकापुर से बनारस और रायगढ़ से धरमजयगढ़ सड़क जो राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी निर्देश किया है। निर्माणाधीन रायपुर बिलासपुर मार्ग में जहां मरम्मत की आवश्यकता है उन कार्यों को जल्द ही पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोरबा शहर में रेल लाइनों पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए योजना बनाने को भी कहा है। इसके साथ ही राजधानी से लगी खारू नदी के किनारे सौंदर्यीकरण और जन सुविधा के लिए करीब 9 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा। एशियन विकास बैंक की सहायता से साल 2020 से साल 2024 तक की परियोजना अवधि के लिए 1184 किलोमीटर लंबाई की 30 सड़कों के लिए 4,000 करोड़ ऋण लेने की कार्ययोजना तैयार की गई है। सीएम ने कार्ययोजना को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब नगरीय क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर काबिज लोगों के साथ ही दूसरे लोगों को भी आवासीय या फिर व्यवसायिक प्रायोजन के लिए सरकारी जमीन सहजता से आवंटित हो सकेगी। भूमि आवंटन की सरलीकृत प्रक्रिया का लाभ कब्जाधारियों सहित अन्य इच्छुक लोगों को भी मिलेगा। राज्य शासन ने केंद्र तथा राज्य के विभाग और निगम मंडल एवं आयोगों को सरकारी जमीन के आवंटन का अधिकार कलेक्टर को दे दिया है। नगरीय क्षेत्रों में 7,500 वर्ग फीट तक सरकारी जमीन का 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार भी कलेक्टरों को दिया गया है। 7,500 वर्ग फीट से अधिक शासकीय भूमि के आवंटन तथा अतिक्रमित सरकारी जमीन को व्यवस्थापन का अधिकार राज्य सरकार को होगा। सरकारी जमीन का आवंटन किसी व्यक्ति या संस्था को करते समय देय का निर्धारण प्रचलित गाइडलाइन के आधार पर किया जाएगा। इसी तरह किसी सरकारी भूखंड के आवंटन हेतु 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अथवा संस्था का आवेदन प्राप्त होने पर प्रचलित गाइडलाइन के दर पर निर्धारित की गई प्रीमियम दर को ऑफसेट मानते हुए नीलामी के माध्यम से सर्वाधिक बोली लगाने वाले को किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय पर भाजपा ने सरकारी जमीनों की बंदरबांट का आरोप लगाया है।
कांग्रेस सरकार ने जमीन आवंटन के कानून को पारदर्शी बनाया है, बेहतर बनाया है और न्यायपूर्ण बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार, जिस तरीके से जमीनों की बंदरबांट हुई उस पर रोक लग गई है, तो भाजपा में जमीन की दलाली करने वाले और भू माफिया लोग बौखला रहे हैं। सरकार के द्वारा लगातार किस उसका और सरलीकरण किया जाना आवंटन के लिए, उसमें अधिकांश जो है जो बड़े बिल्डर्स हैं, जो भू माफिया लोग हैं और ऐसे लोगों के आवेदन के आधार पर आवंटित किया जाना, निश्चित रूप से सरकारी जमीन को उनको गिफ्ट करना है। छत्तीसगढ़ में पेसा कानून को लागू करने संबंधित एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने सर्व आदिवासी समाज तथा पंचायती राज सशक्तिकरण व वनाधिकार के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से पेसा को जमीन पर उतारने के लिए नियम तैयार करने के संबंध में विचार विमर्श किया। उन्होंने चर्चा में शामिल सभी लोगों से प्रदेश में इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सुझाव मांगे। जनजातीय समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पैसा महती भूमिका निभाएगा। इसे न केवल उनकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकेगा, बल्कि उनके कल्याण के लिए जन जल जंगल और जमीन के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी सहेजा जा सकेगा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आदिवासी हितों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे, अन्य लोग जो पेशा के क्षेत्र में काम करते रहे, एनजीओस अलग अलग जो इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में काम करते रहे, तो कुछ लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति और भागीदारी, और कुछ साथी जो अभी आ सके थे, ये एकदम प्रारंभिक कदम है सलाह मशवरा का। बस्तर और सरगुजा में जो रहने वाले सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी राय लेने के बाद में और इस मामले को छेड़ना चाहिए। पेसा आदिवासियों को उनका अधिकार मिले, कानून मिले, एक अच्छी बात है, परंतु आदिवासी क्षेत्रों में क्या हालत है इसको हम देख सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप IBC 24 देखते हैं।